हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। पिछले कई वीडियो में हमने सोनपुर मेला से जुड़े सारे अपडेट दिए, वहाँ किस तरह से तैयारियाँ हो रही है सारे अपडेट हमने एक सीक्वेंस में दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कल यानी 13 नवंबर से सोनपुर मेला शुरू हो रहा है और इसका उद्घाटन होने वाला है। दोस्तों, तो जानेंगे कि आखिर इस मेले का उद्घाटन किनके द्वारा किया जा रहा है, साथ ही इस मेले में क्या खास है और बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी जगत के सभी कलाकार आ रहे हैं, किस दिन किस चीज़ का प्रस्तुति होगा, कैसा आयोजन रहेगा, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हाल ही में आपको कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और कार्तिक पूर्णिमा से दो दिन पहले सोनपुर मेला का भव्य उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी CM संयुक्त रूप से इस मेले का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला 13 नवंबर से लेकर दोस्तों 14 दिसंबर तक चलेगी। मेले का उद्घाटन राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री दोस्तों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे। उद्घाटन के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में भी मौजूद रहेंगे दोस्तों राज्य के 3 मंत्री, जिन्हें प्रभारी मंत्री, 2 सांसद विधायक और 2 पार्षद एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहेंगे। साथ ही मेले के उद्घाटन में बॉलीवुड गायकों की टीम प्रस्तुति देगी। जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा बताया गया दोस्तों कि सोनपुर मेला इस बार बहुत ही भव्य होने वाला है। दोस्तों, और दोस्तों इस बार पर्यटक विभाग के सांस्कृतिक पंडाल और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज का निर्माण कराया गया है, जो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होने वाला है इस बार सोनपुर मेला का। साथ ही दोस्तों सोनपुर मेला में अनेकों प्रकार के आपको पेंटिंग्स एवं अनेकों प्रकार के झांकियां एवं सभी डिपार्टमेंट का एक स्टॉल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि बिहार किस तरह से डेवलप कर रहा है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों आपको इसमें अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है कि किस दिन किसका यहाँ पे कार्यक्रम होगा। 32 दिन के ऐतिहासिक मेले में 6 दिन पर्यटन विभाग, 12 दिन कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 11 दिन जिला प्रशासन, 2 दिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा 1 दिन अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। दोस्तों, यानी टोटल 1 मंथ के महीने में ये कुछ शेड्यूल हैं, जिसमें दोस्तों पर्यटन विभाग के सौजन्य से 13, 16, 17 और 24 नवम्बर तथा 13 एवं 14 दिसंबर को प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से 14, 22, 23, 27, 30 नवंबर व 1, 4, 5, 7, 8, 11 एवं 12 दिसंबर को प्रस्तुति दी जाएगी। जबकि दोस्तों 28 एवं 29 नवंबर को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। हालांकि सोनपुर मेला के दौरान आगामी 18 नवंबर को अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। दोस्तों, शेष तिथियों को जिला प्रशासन सारण के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। मेला के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन स्तर से किए जाने वाले कार्यों के निविदा का निष्पादन हो चुका है दोस्तों, और कल इस मेले का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। अगर अभी तक आप नहीं इस मेला में कभी आए हैं घूमने, तो इस बार जरूर आइए दोस्तों, क्योंकि इस मेले का काफ़ी लोग इंतजार करते हैं काफ़ी समय से। आने के लिए बता दें दोस्तों, तो आप बिहार के किसी भी जिले से या फिर देश के किसी भी जिले से पटना स्टेशन आ सकते हैं, पटना से आप ट्रेन के माध्यम से सोनपुर आ सकते हैं, या फिर पटना से ऑटो से आप सोनपुर जा सकते हैं, जिसमें आपको 60 रुपीज़ यानी 60 रुपया किराया लेकर सोनपुर तक पहुँचा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों मेला में रुकने के लिए आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे, सरकार की तरफ से भी ठहरने की व्यवस्था कराए गए हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं और भी कॉटेज बनाए गए हैं, जहाँ पर आप पेमेंट करके भी रह सकते हैं और निःशुल्क भी रह सकते हैं। खाने पीने के साधन भी अवेलेबल हैं, आप पे करके अच्छा खासा खा सकते हैं। मनोरंजन के साधन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े झूला दिखे जाएंगे, घोड़ा बाजार दिखे जाएंगे, चिड़िया बाजार दिखा जाएगा। वहीं इस बार सोनपुर मेला में 3 से 4 वैष्णो देवी का भव्य पंडाल बनाया जा रहा है दोस्तों, जो आकर्षक का केंद्र रहेगा। पिछले साल 1 था, जिसके वजह से काफ़ी भीड़ हो जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार 3 से 4 पंडाल ऐसे बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल हम इसके बाद भी 1-2 वीडियो लाकर आपको अपडेट देंगे। दोस्तों, अगर आप मेला प्रॉपर घूमना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद से आप मेला में आ सकते हैं दोस्तों, और मेला शुरू होने से 15 दिन तक ही घोड़ा बाजार लगा रहता है। यानी घोड़ा बाजार देखना चाहते हैं तो आप 15 दिन मेला शुरू होने से 15 दिन तक आकर इस मेले का शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल यह जानकारी और यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।